गाजीपुर जनपद से जहां प्रकाश नगर छावनी लाइन स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 10वां वार्षिक उत्सव उड़ान एक नई सोच बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सीओ सिटी गौरव सिंह एवं राम पूजन सिंह एडवोकेट सिविल कोर्ट रहे। मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ व बच्चों द्वारा स्वागत गणपति नृत्य कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नाटक डांडिया देशभक्ति गरबा स्कूल के छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन की व छोटे छोटे बच्चों द्वारा ग्रुप डांस की प्रस्तुति भी किया गया। स्कूल के उत्कृष्ट बच्चों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि गौरव सिंह सीओ सिटी अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं रहती बल्कि खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से भी अपना करियर बनाया जा सकता है जिसमें शिक्षक अभिभावक का सबसे बड़ा योगदान रहता है। बच्चे मिट्टी की तरह छोटे हैं, जैसे उन्हें ढालेंगे वैसे वह ढलेंगे। विद्यालय के डायरेक्टर योगेंद्र सिंह ने आए हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिभावक के प्रति आभार व्यक्त किया। आज के समय में शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित नहीं है। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद होते हैं, सब शिक्षा के ही अंग बन गए हैं। और केवल शिक्षा से नहीं, खेल कूद सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी लोग अपना करियर बना रहे हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है पिछले समय में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को कितना प्रोत्साहन दिया गया है। ओलंपिक तक में भारत का स्थान बढ़ा है, अच्छा प्रदर्शन हुआ है। इन सब चीजों में शिक्षक और अभिभावक, इनकी दो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं बस आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से कि बच्चे परिवार में ही प्राथमिक शिक्षा लेते हैं। 3 वर्ष तक तो बच्चे कहीं नहीं जाते, परिवार में ही रहते हैं, उसके बाद स्कूल जाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय स्कूल में देते हैं, धीरे धीरे समय पढ़ने लगता है और स्कूल में ज्यादा समय देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक कार्यक्रम में देखा भी कैसे पेरेंट्स को नजरअंदाज बच्चों द्वारा किया जाता है कभी कभी, और वैसे ही पेरेंट्स